दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। कोरोना के मामलों में आई भारी गिरावट, 24 घंटों में आए 31,222 नए मामले, वहीं 290 लोगों की गई जान। दोस्तों देश में कोरोना के मामले में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में महामारी संक्रमण के 31,222 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों इस अवधि में जहां कोरोना से 290 लोगों की जान चली गई, वहीं 42,942 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। वहीं दोस्तों मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल अभी 3,92,864 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक देश में कोरोना को मात देकर 3,22,24,937 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मंत्रालय के अनुसार कोरोना के चलते मारे गए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,41,042 हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट के बाद एक्टिव मामलों की संख्या में 12,010 की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, निपा वायरस पर एम्स एक्सपर्ट ने चेताया, बिना धोए फल खाने की आदत बन सकती है जानलेवा। दोस्तों केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 251 व्यक्तियों की पहचान की है जो निपा वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वाले 12 वर्षीय लड़के के संपर्क में आए थे। इनमें से 38 लोग कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पृथकावास में है। वहीं 11 लोगों में लक्षण नजर आए हैं। वहीं दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार फ्रूट पैड्स के चलते ये वायरस फैल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रूट पैड्स निपा वायरस फैलाते हैं और वह ट्रांसमिशन का मुख्य कारण है। वहीं फ्रूट पैड्स एक खास क्षेत्र में रहते हैं, अगर वह एक से दूसरी जगह जाते हैं तो जाहिर सी बात है वायरस फैलेगा। वहीं विशेषज्ञों ने कहा है कि हमारे पास इस बीमारी का अभी कोई विशेष इलाज नहीं है और हमें ये समझना होगा कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसकी मृत्यु दर काफी अधिक है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की और ढील, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर राज्य में प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लोगों का जीवन भी सामान्य करने की ओर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 9 के साथ महामारी प्रबंधन पर समीक्षा बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू में और ढील देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं अब दुकानें रात 11 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं प्रदेश में महामारी की काफी नियंत्रित स्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रात 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी को 11 बजे तक दुकानें तथा बाजार बंद करने होंगे। वहीं कोई भी सड़क पर अनावश्यक घूमता मिला तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में महामारी के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें सावधान रहने की जरूरत है। वहीं सभी जगहों पर अतिरिक्त सख्ता बरतनी होगी और प्रदेश में महामारी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, नागपुर पहुंची कोरोना की तीसरी लहर, मंत्री नितिन राउत बोले जल्द ही होगा पाबंदियों का ऐलान। दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक हो गई है। इस बात की जानकारी राज्य के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को दी है। वहीं शहर में लगातार 2 दिन से दहाई की संख्या में मिल रहे संक्रमण के मामलों के चलते उन्होंने ये बात कही है। वहीं दोस्तों कोविड-19 महामारी के पिछली दोनों लहरों में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। वहीं दूसरी लहर से उबरने के दौरान ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में तैयारियों की बात कही थी। हाल ही में उन्होंने तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। वहीं राज्य कैबिनेट मंत्री राउत ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने संकेत दिए हैं कि स्थानीय प्रशासन जल्द ही संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर सकता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 5वें टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में हुए बड़े बदलाव, ये 2 खिलाड़ी हुए स्क्वाड में शामिल। दोस्तों इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। ईसीबी ने 10 सितंबर से शुरू होने वाले आखिरी टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। स्क्वाड में जोस बटलर और जैक लीच को शामिल किया है। वहीं लीच मौजूदा सीरीज में एक भी मैच नहीं खेले थे। वहीं बटलर दोबारा पिता बनने की वजह से 4थे टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में मोइन अली को उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं दरअसल दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 सितंबर से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। वहीं मौजूदा सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। भारत ने ओवल में खेले 4थे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई थी। वहीं भारत ने ओवल के मैदान पर 50 साल बाद जीत दर्ज की है। इससे पहले टीम इंडिया ने 1971 में जीत दर्ज की थी। वहीं दोस्तों 5वें टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम इस प्रकार है, जो रूट कप्तान मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जॉनी ब्रेस्टो, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, सैम करन, हसीब हमीद, डेन लॉरेंस, जैक लीच, डेविड मलान, के गोवर्टन, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड। इसके बाद अगली बड़ी खबर,
है। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन ने जगाई HIV के भी इलाज में उम्मीद, मॉडर्ना किया ट्रायल का ऐलान। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर एड्स की महामारी के 40 साल बाद वैक्सीन की तलाश को नई उम्मीद मिली है। अमेरिकी दवा और बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने हाल ही में एड्स की 2 वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान किया है। ये वैक्सीन भी mRNA आधारित है। इस तकनीक पर कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बनाई है। वहीं मॉडर्ना दुनिया की पहली कंपनी है जिसने COVID-19 का mRNA आधारित टीका बनाया है। वहीं मॉडर्ना अपनी HIV वैक्सीन के 2 वर्जन का ट्रायल करेगी। ये एड्स की पहली mRNA आधारित वैक्सीन है जिसका इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। वहीं अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन के मुताबिक पहले चरण के ट्रायल के लिए 18 से 50 वर्ष के आयु के 56 HIV नेगेटिव लोगों को चुना जाएगा। वहीं पहले चरण के ट्रायल में 4 ग्रुप होंगे। इनमें से 2 ग्रुप को वैक्सीन की मिक्स डोज दी जाएगी, वहीं अन्य 2 ग्रुप को 2 वैक्सीन में से कोई एक दी जाएगी। वहीं ट्रायल में शामिल होने वालों को लोगों को ये भी पता होगा कि वे किस ग्रुप में हैं। दोस्तों, अगर ये वैक्सीन का ट्रायल सफल होता है तो मई 2023 तक हमें HIV एड्स की वैक्सीन देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बेहद ही अच्छी खबर है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी, जाने अपने राज्य का पूर्वानुमान। दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में बारिश को लेकर जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि मानसून की तरफ मंगलवार सुबह राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रही है। वहीं मंगलवार को दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी आंतरिक महाराष्ट्र के आसपास एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र और संबंधित चक्रवाती परिसंचरण जारी है। वहीं अगले कुछ दिनों तक सिस्टम के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं बुधवार सुबह गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास और गुरुवार तक गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के आसपास रहने की संभावना है। इस अवधि में महाराष्ट्र तट से केरल तट तक बने रहने की भी संभावना है। वहीं बताया गया है कि इस अवधि में अरब सागर से आने वाली पछुआ हवाओं के कारण पश्चिम, दक्षिण और मध्य भारत के कम दबाव वाले क्षेत्र में नमी आने की पूर्ण संभावना है। वहीं इस मौसम संबंधित परिस्थितियों के प्रभाव में पश्चिमी तटीय दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अलग अलग जगहों गरज के साथ मध्यम बारिश से भारी बारिश अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा मंगलवार को महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। वहीं IMD ने आज के लिए तेलंगाना, कोंकण और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना में मंगलवार को 24 घंटों में 100 मिमी से 150 मिमी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बुधवार को गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, गोवा के अलग अलग स्थानों पर भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है और बुधवार को उत्तराखंड, आंतरिक महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भयंकर बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात और कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भी भारी से बहुत भारी भयंकर बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में मौसम खराब होने व बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम बिगाड़ने के साथ बौछारें भी पड़ेंगी। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश और मौसम खराब होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और तमिलनाडु में मौसम बिगाड़ने के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना है।